ग्वालियर के डबरा में गल्ला कारोबारी से 35 लाख रुपए कैश लूटने के बाद सड़क पर दनादन गोलियां चलाने वाले दो और लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 लाख रुपए और बरामद कर लिए हैं। अब तक इस सनसनीखेज लूटकांड में पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगभग 27 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। अब एक मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी घेराबंदी में कुछ टीमें लगी हैं। शनिवार को इस मामले में क्राइम ब्रांच ने भिंड पुलिस की मदद से भिंड के मौसे दो लुटेरों को पकड़ा है, जिनके पास से एक कट्टा व 14 लाख रुपए मिले हैं। पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है कि यह लूट की पूरी प्लानिंग ग्वालियर की सेंट्रल जेल में हुई थी और बाहर निकलकर बदमाशों ने इसे अंजाम दिया है। पकड़े गए लुटेरों ने चिनोर पिछोर की दो लूट और खुली है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने डबरा गल्ला मंडी के कारोबारी से लूट में 7 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े ना जाएं, इसके लिए बदमाशों ने लगातार 7 दिन रैकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन वे बच नहीं पाए। डबरा में दिन दहाड़े 35 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट के बाद पुलिस अफसरों की मॉनिटरिंग और एक दर्जन से ज्यादा टीमों द्वारा लगातार पड़ताल के बाद बदमाशों की पहचान कर 7 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। 5 आरोपी पहले पकड़े जा चुके थे, शेष 3 आरोपी जो पूरी लूट के मुख्य सूत्रधार थे, उनकी छानबीन की जा रही थी। शनिवार को ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने भिंड पुलिस की मदद से भिंड के मौ कस्बे से दो लुटेरों प्रताप कुशवाहा व राजवीर उर्फ चश्मा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक कट्टा व कारतूस सहित 14 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। अब इस मामले में एक आरोपी आकाश फरार है और 8 लाख रुपए बरामद होना शेष है। डबरा गल्ला मंडी के कारोबारी सेफ कराम के साथ 22 नवंबर दोपहर डबरा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोलियां चलाकर 35 लाख रुपए लूट लिए थे। पीड़ित कारोबारी सेफ कराम ने बताया था कि उसने HDFC बैंक से 35 लाख रुपए निकाले थे। इसके बाद वह बैंक से कमल टॉकीज रोड स्थित अपनी दुकान की ओर जा रहा था। वह ठाकुर बाबा रोड पर विनोद जैन के मकान के सामने पहुंचा ही था, इसी दौरान अपाचे पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी उसका साथी चला रहा था, वह दोनों सड़क पर गिर गए। लुटेरों ने उनके हाथ से बैग छीनने का प्रयास किया तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। लुटेरों के साथ उनकी छीना छपटी हुई, इसी दौरान लुटेरों ने कट्टे से फायर कर दिए। गोली जमीन में लगी तो वह डर गया, लुटेरे उसके हाथ से बैग छीन कर फरार हो गए। इस लूट के बाद ग्वालियर में पुलिस की काफी किनकिरी हो रही थी। ADG श्रीनिवास व SSP ग्वालियर अमित सांगी डबरा में डेरा जमाए बैठे थे। 7 दिन बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। अब इस मामले में 2 और आरोपी पकड़ कर लगभग 80% लूट की रकम बरामद हो गई है। लूट की योजना बनाने, रैकी करने और वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी ग्वालियर के हैं। वारदात को अंजाम गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के जड़ेरुआ इलाके में रहने वाले बदमाश आकाश राजवीर उर्फ चश्मा प्रताप कुशवाहा ने अंजाम दिया था। संतोष और हरिओम ने वारदात का ताना बाना बुना और पुष्पेन ने रैकी की तो अनिल रावत ने पूरी प्लानिंग की थी। वहीं विजय ने लूट के लिए आने वाले बदमाश को रुकवाने सहित अन्य सामान जुटाया था। इसके अलावा लूट के लिए DD नगर से बाइक चोरी की थी।